तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ठीक है, या करना सीख लोगे आप, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए ऑब्जर्व करने की। देखिए यहाँ पे जो 1 बाई कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर टेन है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको क्या लिख लें, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया आपका 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स हो गया। थोड़ा और एडजस्ट कर लीजिए, तो ये क्या दिख रहा है, 1 माइनस टेन एक्स टू द पावर माइनस टू एंड सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए, अब साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कौन सा फॉर्म है, ये एफ एक्स हो गया, उसका डेरिवेटिव माइनस सेक स्क्वायर एक्स आएगा, है ना, और एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स है, ये वाली फॉर्म है। तो हम लोग इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बस अर्थे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसका डेरिवेटिव माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, यहाँ माइनस हमारे पास है नहीं, तो माइनस आप एडजस्ट कर लीजिए, कॉन्स्टेंट हमेशा मैनेजेबल होते हैं, तो यहाँ पे हमने मैनेज कर लिया, ठीक है। अब ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, और एफ एक्स की पावर एन है, तो आंसर क्या हो जाता था, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और प्लस सी हो जाएगा। ये थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, है ना, एक माइनस बार पहले था, तो ये देखिए माइनस टू प्लस वन कितना आएगा आपका माइनस वन, और ये माइनस वन, ये माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस वन हो जाएगा आपका पावर, और माइनस वन का मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, वन अपॉन में हो जाएगा, तो इट कुड बी रिटर्न एज ए वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर।